देश दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी जगत की खास खबरों के लिए आप देख रहे हैं विलायत न्यूज़। खबरों को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं आज का खास बुलेटिन। मक्का मदीना की हुरमत पामाल करने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर रहा है बिन सलमान। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान देश में सुधार के नाम पर इस्लामी तालीम और सिद्धांतों का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। हाल ही में सऊदी बिजनेस ने खबर देते हुए कहा था कि बिन सलमान सऊदी अरब में शराब को आम करने की शुरुआत लगभग कर ही चुके हैं और इसका बिगुल उन्होंने एयरपोर्ट से फूंक भी दिया है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स पर मौजूद ड्यूटी फ्री दुकानों में शराब को बिकते हुए देखा जा सकता है। शराबियों को इस बात की इजाज़त होगी कि वो वहां बैठकर शराब पी सकें। इसके अलावा सऊदी अरब में समय समय पर म्यूज़िक कंसल्ट और इस्लामिक गैम्बलिंग सेंटर आम बात हो चुकी है। अफसोस की बात तो ये है कि इन जुआ केंद्रों का उद्घाटन खाने काबा के इमाम रहे आदिल अल कल्बानी जैसे लोगों से कराया गया ताकि आम मुसलमान को धोखा देकर आसानी से जुआ केंद्रों की ओर बुलाया जा सके। ताज़ा मामला लेबनान की गायिका हैफा वहबी को लेकर है जिसका वर्षों से ख्वाब रहा है कि वो मक्का मदीना में म्यूज़िक कंसर्ट कर सके। अब सऊदी सरकार उसके इस ख्वाब को पूरा करने जा रही है। मक्का मदीना की हुरमत को पामाल करने के हैफा की इच्छा बयान करने वाली वीडियो को शेयर करते हुए सऊदी सोशल मीडिया यूज़र ने आले सऊद के फैसले पर जमकर गुस्सा जाहिर किया है। सऊदी युवराज के विज़न 2030 के नाम पर हो रहे इस समारोह में हैफा वहबी समेत कई बदनाम डांसर और गायकों को बुलाया गया है। बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की तरफ। मिडिल ईस्ट की सुरक्षा में सक्षम, बाहरी देशों की ज़रूरत नहीं। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन समेत अन्य बाहरी देशों की उपस्थिति की ओर संकेत करते हुए कहा है कि ईरान अपने क्षेत्र के हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है, यहाँ किसी बाहरी देश की कोई ज़रूरत नहीं है। IRGC नौसेना के कमांडर सरदार अली रज़ा तंगसीरी ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से लेकर फारस की खाड़ी तक पूरा इलाका हमारी निगरानी में है, इस पूरे इलाके की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। सरदार तंगसीरी ने कहा कि 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली फारस की खाड़ी और इस संवेदनशील क्षेत्र की सुरक्षा IRGC नौसेना के मुख्य मिशन में से एक है। इसके अलावा हमारे पास ओमान सागर में भी दो ठिकाने हैं। उन्होंने कहा कि फारस की खाड़ी क्षेत्रीय देशों से संबंधित है। ईरान 1375 किलोमीटर के सीमा क्षेत्र के साथ यहाँ सबसे बड़ी सीमा रखने वाला देश है। हम बार बार कह चुके हैं कि हम अपने दोस्त और पड़ोसी देशों के साथ मिलकर यहाँ की सुरक्षा करने में सक्षम हैं और ये बात हमने कई बार साबित भी की है। पड़ोसी और सहयोगी देश हमारी इस बात को कबूल करें तो यहाँ ब्रिटिश और अमेरिकी सेना की मौजूदगी की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी अन्य देश को यहाँ के मामलों में कोई दखल देने की ज़रूरत है। सरदार तंगसीरी ने कहा कि हम एक मुस्लिम और क्षेत्रीय देश होने के नाते अपने पड़ोसी और मुस्लिम देशों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। 43 साल के इतिहास में कोई एक मौका भी ऐसा नहीं होगा जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने किसी देश के खिलाफ कोई गलत कदम उठाया हो। उन्होंने कहा कि हम पीड़ितों और वंचित तथा मजलूम लोगों का समर्थन करने की कीमत चुका रहे हैं। साम्राज्यवाद से हमारा टकराव जग जाहिर है, हम मजलूमों की हिमायत में खड़े हैं। आप देख ही रहे हैं कि जब सीरिया और इराक में ISIS ने कब्जा किया और कत्लेआम मचाया, हम वहां गए और इस देश की जनता के हक में मैदान में डटे रहे। हमने मजलूमों के लिए कुर्बानी दी। फिलिस्तीन में हम अवैध राष्ट्र के अत्याचारों के खिलाफ खड़े हैं। सरदार तंगसीरी ने कहा कि हमने पड़ोसी इस्लामी देशों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन हमें उम्मीद के खिलाफ जवाब मिला। हम मजलूम हैं लेकिन साथ ही ताकतवर और शक्तिशाली भी। अरब देश हमें खुद का दुश्मन न समझें,
हमने बिना किसी भेदभाव के अपने पड़ोसी देशों की रक्षा के लिए अपने जवानों की कुर्बानियां दी हैं। हम जो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं वो कमज़ोर होने के कारण नहीं बल्कि अच्छी नीयत और हमदर्दी के सबब है। सरदार तंगसीरी ने कहा कि हमने सऊदी अरब को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन सऊदी मीडिया को साफ संदेश दे दिया है कि वो ब्रिटेन की तरह हमसे दुश्मनी पर ना उतरे। ब्रिटेन का जवाब हम उचित मौके पर खुले मैदान में देंगे, लेकिन सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है, उसे इन हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। हम किसी मुस्लिम देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अगर हमें निशाना बनाया जाता है तो दुश्मन हमसे महफूज नहीं रहेगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। लेबनान में हिजबुल्ला विरोधी नेता को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं रियाद और वाशिंगटन। लेबनान को जहां हिजबुल्ला की प्रतिरोधी सैन्य क्षमता के कारण जल सीमा के निर्धारण में इसराइल के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है, वहीं देश में जारी राजनीतिक गतिरोध सऊदी अरब और अमेरिका के दखल के कारण जस का तस बना हुआ है। सऊदी अरब और अमेरिका लेबनान में ऐसे नेता को राष्ट्रपति पद पर देखना चाहते हैं जो अब उनके हितों के अनुसार काम कर सके। हिजबुल्ला लेबनान की सेंट्रल काउंसिल के सीनियर मेंबर शेख नबील कावूख ने कहा है कि सऊदी अरब और अमेरिका लेबनान के आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं और इसका सामना करने का एकमात्र रास्ता आपसी इत्तेहाद और एकजुटता है। शेख नबील कावूख ने कहा कि रियाज और वाशिंगटन चाहते हैं कि इस पद पर कोई ऐसा आदमी बैठे जो हिजबुल्ला और प्रतिरोधी दलों का मुखालिफ हो और अमेरिका के हितों के अनुसार काम कर सके। शेख नबील कावूख ने कहा कि दुश्मन के सामने प्रतिरोध ही एकमात्र रास्ता है। हमने पिछले 11 साल कारिश गैस फील्ड को लेकर इसराइल के साथ वार्ता की, लेकिन हम अपना हक पाने में नाकाम रहे। लेकिन जैसे ही हिजबुल्ला के ड्रोन विमानों ने उड़ान भरी और अपना हक न दिए जाने की सूरत में कार्रवाई की धमकी दी, ये मामला फौरन सुलझ गया और लेबनान को उसका हक मिल गया। शेख नबील ने कहा कि आज जब इसराइल की सैन्य राजनीतिक और हर संस्था हिजबुल्ला लेबनान की जीत की बात कर रहे हैं, लेबनान में ही मौजूद कुछ लोग हमारी सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं। वह प्रतिरोध की सफलता और उपलब्धियों को नकार रहे हैं क्योंकि वो हिजबुल्ला की कामयाबी से नाराज हैं और प्रतिरोध की सफलता से उन्हें हिस्ट्रिया हो जाता है। आज लेबनान की जनता जानती है कि बैरूत में मौजूद सऊदी दूतावास पार्लियामेंट चुनाव की तरह ही राष्ट्रपति चुनाव में भी दखल दे रहा है, लेकिन इस बार वो खुल्लम खुल्ला ये काम कर रहा है। हमारे बहुत से राजनेता अमेरिका के दबाव को लेकर भी नाराज़गी जता चुके हैं। ये दबाव और दखल लेबनान की संप्रभुता और आज़ादी का अपमान है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अमेरिका आजाद और संप्रभु ईरान का दुश्मन, कठपुतली सरकार का हम। सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मिकदाद ने ईरान के खिलाफ अमेरिका की दुश्मनी का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका एक आजाद और संप्रभु ईरान का दुश्मन है। उसे अपने इशारों पर नाचने वाला और पिछड़ा ईरान पसंद है। उसे एक आजाद और अपने फैसले लेने में सक्षम शक्तिशाली ईरान पसंद नहीं है। मानवाधिकार की आड़ में सीरिया के अंदरूनी मामलों में अमेरिका और बहरूनी देशों के दखल और दमिश्क के खिलाफ इसराइल की नाकाम साजिशों का जिक्र करते हुए फैसल मिकदाद ने कहा कि वो दूसरे देशों में भी ऐसे ही संकट खड़ा करना चाहते हैं और ख़ास तौर पर ईरान को निशाने पर लिए हुए हैं। अमेरिका और साम्राज्यवादी धड़ा एक शक्तिशाली आज़ाद और संप्रभु देश को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्ला यान से टेलीफोन पर बात करते हुए फैसल मिकदाद ने कहा कि अमेरिका और पश्चिमी जगत एक समृद्ध, उन्नत और स्वतंत्र ईरान नहीं बल्कि एक बर्बाद और उनके भरोसे रहने वाला ईरान चाहते हैं। सभी ने देखा है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने सीरिया, इराक और अफगानिस्तान के साथ क्या किया है। ईरानी विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्ला यान ने साम्राज्यवाद के खिलाफ ईरान के उसूली और तार्किक रवैये को जारी रखने पर जोर देते हुए कहा कि हम इसी तरह फलस्तीन और प्रतिरोधी बलों का समर्थन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ बनाया जा रहा राजनीतिक दबाव
और दुष्प्रचार इज्जत और सम्मान की ओर बढ़ते हमारे कदमों को रोकने में नाकाम रहेगा। हम अपने इलाके की हिफाजत और यहाँ बाहरी देशों के दखल और अतिक्रमण के खिलाफ इसी तरह से डटे रहेंगे। ईरानी समाज पूरी होशियारी और जागरूकता के साथ दुश्मन की साजिशों को नाकाम कर देगा। आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। विलायत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इससे नए अपडेट्स मिल सकें।